नेहा जल्दी खा लेते हैं फिर मूवी देखने चलेंगे, ठीक है? ये क्या है? हाँ यार ये है क्या? ये तो गोल्ड की चैन लग रही मुझे, देखना प्योर गोल्ड है ना। हाँ यार एक काम कर जल्दी से पॉकेट में रख ले से। एक्सक्यूज मी मैम, माफ कीजिएगा ये ऑर्डर गलती से आपके पास आ गया। आपने सिंगापुरी चाउमीन ऑर्डर करी थी और ये वेज चाउमीन है, तो ये ऑर्डर मैं ले जाता हूँ और आपका ऑर्डर आपके पास भिजवा देता हूँ। यार कविता जल्दी कुछ कर, नहीं तो वो सोने की चैन निकल जाएगी हमारे हाथ से। तो सही कह रही है। भैया एक मिनट सर, इधर आइए आप। अबे ऑर्डर तो दिया था। एक मिनट सर। जी मैम जल्दी बोलिए। एक्चुअली भैया ये हमारी झूठी चाउमीन है और आप इसे सर्व करेंगे किसी और को। अच्छा मजाक कर लेते हो मैम, ये चाउमीन झूठी कहाँ से लग रही है आपको? भैया हमें यही चाउमीन खानी है, हम इसे ही खा रहे थे तब से। मैम ये ऑर्डर उनका है और वो वैसे मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। आपका ऑर्डर अभी आता ही होगा, दो मिनट में आप वेट कर लीजिए। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इसका एक्स्ट्रा पे कर दूंगी, अब मुझे यही चाउमीन खानी है। देख लो भाई इसमें आपका ही फायदा है और वैसे भी हम आपको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, आप ही चाउमीन हमें दे दो। नहीं नहीं मैडम मुझे कुछ नहीं करना, मैं वैसे बहुत परेशान हो रहा हूँ, भैया चिल्ला रहे हैं, मैं उनका ऑर्डर दे रहा हूँ और आपका ऑर्डर भी अभी आ जाएगा। भैया यार कविता अब हम क्या करें, इस सोने की चैन हमारे यहाँ से जानी नहीं चाहिए, सोच हमारा कितना नुकसान हो जाएगा अगर ये चली गई तो। एक काम करते हैं उससे बात करते हैं जिसकी चाउमीन है, चलो। अबे भाई मेरा ऑर्डर कहाँ रह गया, देगा भी या नहीं देगा? बस लाया सर। बहुत पसंद है, प्लीज ये हमें दे दीजिए, आप जितना चाहेंगे ना हम उतना पे कर देंगे आपको। और हाँ ये ना मुझे बहुत पसंद है ये चाउमीन, ये हमारी फेवरेट है और ये मैंने झूठी भी लगा दी है। नहीं नहीं वो मुझे झूठी चाउमीन कैसे दे सकता है, उसने मुझे बिल्कुल फ्रेश लाके दी अभी। सर आपको नहीं पता पहले ये चाउमीन हम दोनों खा रहे थे और आपको पता है ये हमारी झूठी चाउमीन है, वो लेट के चक्कर में आपको देके गया है। देखिए मैडम मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं वैसे भी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे खाने दीजिए और मैं जाना चाहता हूँ जल्दी यहाँ से। सर एक बार सोचिए, मैं आपको इस चाउमीन की एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ, आप जितने चाहेंगे उतने पैसे दे सकती हूँ मैं इस चाउमीन के। इससे मेरा क्या फायदा होगा? मैंने बोला ना आपको मैं आपको पे कर सकती हूँ, आप जितना चाहे उतना मैं आपको पे कर सकती हूँ इस चाउमीन के, पर ये चाउमीन तो मैं ही खाऊंगी। तो दूसरी मंगवा लीजिए ना ये सेम चाउमीन। सर हमें लेट हो रहा है, हमें मूवीज देखने जाना है। अच्छा तुम्हें लेट हो रहा है तो मुझे लेट नहीं हो रहा, तुम्हें तो मूवी देखने जानी है, मुझे तो पैसे की डील करने जानी है, तुम्हारी मूवी से ज्यादा ना मेरे पैसों की मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाँ सर आप पैसों की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बताइए इस चाउमीन के आपको कितना पे करना है, 1000 2000? अच्छा और कुछ? सर आप जितना चाहेंगे हम उतना पे कर सकते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। अच्छा बहुत पैसा है तुम्हारे पास, कितना पैसा है वैसे तुम्हारे पास? 5000 5000। एक काम करो 10000 ले लेना, लेकिन ये चाउमीन हमें दे दो। क्या 10000? अगर नहीं देनी तो कोई बात नहीं हम चले जाते हैं। 10000 और अबे सड़ी हुई चाउमीन के लिए? अरे मुझे क्या है, मुझे तो मेरे 10000 रुपए मिल रहे ना। हाँ मैडम डील पक्की, ये लीजिए आपकी चाउमीन। ये हुई ना बात। मेरे पैसे? एक काम है मैडम, ये लीजिए मैडम आपकी चाउमीन। चलो वेटर। हाँ सर आता हूँ। वैसे निया 5000 में मान जाता वो, खाली तूने 10000 की डील कर दी। अरे जाने देना, वैसे भी इस चैन से ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है 10000 की। कल कहाँ गई हमारी चैन, 2 लाख की तो होगी ना ये? आराम से होगी, चल रख अब चलते हैं सुनार के पास। कहाँ रह गई ये? क्या हुआ तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुंह नहीं लटकेगा, पोपट हो गया हमारा। सुनार के पास गई थी, पता उसने मुझे क्या बोला? बेइज्जती करा दी उसने मेरी, उसने बोला ये 2 लाख की नहीं 20 रुपए वाली चैन है जो बुध बाजार में मिलती है।
तू क्या बोल रही है? कोई मजाक तो नहीं कर रही? तू हंस रही है मेरे ऊपर? बहुत अच्छा फुद्दू कटा है हम दोनों का। 10,000 रुपए भी गए तेरी वजह से हो रही है। और दे 10,000 रुपए। यार मुझे थोड़ी ना पता था वो चैन नकली है। अब तो तेरी किडनी बेच के ही निकालूंगी, चल आगे। अरे विजय सर, आज आपको मैं अपने भाई के रेस्टोरेंट में कॉफी पिलाती हूँ। चलो मैडम, बहुत अच्छी बात है, आज आप पहली बार मेरे को अपने भाई के रेस्टोरेंट में लेके आई। हाँ ये रहा। सही है यार, आज तो मोटा हाथ मार दिया तूने, सीधा 10,000। 1,000 रुपए वापस दे दियो। बिल्कुल दे दूंगा, भाग थोड़ी रहोगे। वैसे सही धंधा चल रहा है अपना। वैसे 50 रुपए की चैन में 10,000 रुपए कमाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन औरों के लिए बहुत बड़ी बात है, 100 रुपए का चिली पटेटो और 50 रुपए की चैन बदले में 10,000 अंदर। वो तो सोच कि उन्हें असली चैन लग रही थी, हमें तो कहीं से नहीं लगी आज तक असली चैन। आकाश! अरे रूबी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वो भी सर के साथ? हाँ, सर को चाय पिलाने लेकर आई थी अपने भाइयों के रेस्टोरेंट में, और मुझे पता नहीं था कि कितना अच्छा मेरे भाई का बिजनेस चलता है। इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं होगी जितनी तुम लोगों की है। 5 मिनट में तुम लोग तो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, सरकार मुझे इतनी नहीं दे पाएगी पूरे साल में भी कमाने के बावजूद। हाँ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है हमारा, और सर के लिए चाय। छोटे एक चाय बनाना। बस करो, उसमें कौन सी अंगूठी डालोगे, गोल्ड की या सिल्वर की या डायरेक्ट डायमंड की? कैसी बातें कर रही है बहन, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? हाँ और कितना सफेद झूठ बोलोगे, हाँ शर्म कर लो थोड़ा सा, हाथ में पैसे ले रखे। हाँ कहाँ से आए ये पैसे 10,000 रुपए? अरे कस्टमर आते रहते हैं, ऑर्डर के बिल बनते हैं, तो वही पैसे है ना। अच्छा पता ही है, हमारा रोज का 2-3 लाख रुपए का गल्ला है। बस करो आकाश, कितना झूठ बोलोगे, एक मैं जो ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, और वही एक मेरा भाई जो इतनी बेमानी से रेस्टोरेंट चला रहा है। अरे मैंने तुम लोगों का टेंडर इसलिए नहीं पास करवाया था रेस्टोरेंट का, ताकि तुम लोग धोखाधड़ी करो लोगों के साथ, बेमानी करो। अरे रूबी, तू जैसा समझ रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, हम तो अपना ईमानदारी से ही काम निभा रहे हैं, और अगर हम कमाएंगे नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बस करो भाई, कमाना ईमानदारी से होता है, बेमानी से नहीं। भीख मांगने वाला भी अगर ईमानदारी से भीख मांग लेता है ना, तो उसकी भी रोजी रोटी चली जाती है, लेकिन वही चोर 4 दिन खाता है, 5वें दिन जेल में चक्की पीस रहा होता है। बेमानी का पैसा कितने दिन चलेगा? लेकिन हम बेमानी भी तो उन्हीं के साथ करते हैं ना जो खुद बेमान है, अगर वो ईमानदार होते तो हमें चैन वापस लौटाते। ठीक, ज्ञान की बातें मत करो, एक तो खाने में चैन डाल के खाने की वेस्टेज, हाँ उसके बाद पैसों का लालच, खुद के अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी। और जिस इंसान को तुम ठग रहे हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि उस इंसान का कितना लॉस होगा। रूबी ये बातें ना सिर्फ दूसरों को बताने के लिए अच्छी लगती है, अपने घर पे बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर कमीशन किसको देंगे हम, ये भी तो सोचना। बस करो, यहाँ कोई कमीशन नहीं है, बहुत ही लीगली तरीके से तुम लोगों को रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिली थी, लेकिन उसका क्या किया तुम लोगों ने, मेरे नाम की भी धज्जियां उड़ा दी। चलो अब जेल में चक्की पीसते रहना जिंदगी भर, क्योंकि कानून और रूल्स सारे उसी तरीके से चलते हैं, वहाँ पे फैमिली और रिश्तेदारी नहीं चलती। मतलब हमारी बहन होकर तो हमें ही जेल भिजवाएगी? गलत करने वाले के साथ गलत ही होता है, वो मेरा भाई हो या कोई आम नागरिक। चलो मैम, और सुनो, तुम्हारी बहन है, पूरे स्टाफ में मैडम की सब इज्जत करते हैं, अब तुम ऐसे भाई हो के मैडम की ईमानदारी की कसम खाते हैं सारे ऑफिस में, अब तुम ऐसा काम करते हो, गरीब लोगों को ठगते हो। नाक तो कटवाई दी सर इन्होंने। चलो, चलो। चलो।